गो। अभी कितना बड़ा प्लेस है देखो तुम लोगों के लिए। ब्लू 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 कम ऑन। वो तो करीब ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? सनफ्लावर सीड्स, एलमंड, वॉलनट, हेजलनट, ब्राजील नट, पाम नट। खा लो। हो गया सुबह का हैंड फीडिंग फॉर्मूला तैयार हो गया है ये 19। और तो हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैट दीपंकर। मैं दुआ करता हूँ आप सभी को, एक्चुअली मैं नहीं, मैं और ये दो मकाओं का बेबी, हम सब मिलके करते हैं आप सभी को हम लोग का यूट्यूब चैनल फैट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। चलो हो गया सही टेम्परेचर, और देखते देखते धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया। आ जाओ तो, आ जाओ तो। हाँ, और ये जो बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था, मतलब फिजिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं बहुत बहुत डरता था कि सब सही हो पाएगा कि नहीं, ठीक हो जाएगा कि नहीं। लेकिन जो देख रहा हूँ अभी तो एकदम परफेक्ट आ रहे। नहीं नहीं रुको यार, रुको रुको रुको। अच्छा ठीक है, इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा हो गया, लेकिन ये अभी भी मतलब इसका हो रहा है, धीरे 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 हो जाएगा। अभी तो एकदम कॉन्फिडेंट आ गया है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ, अभी ताकत आ जाएगा देखिएगा। हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा बारी, आ जाओ इस साइड में, इस साइड में। ठीक है ठीक है, धीरे 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 धीरे। अच्छा अच्छा हो गया। इसको लेकर थोड़ा सा डर था, लेकिन अभी कोई डर नहीं, कॉन्फिडेंट आ गया है कि और कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बड़ा हो जाएगा। ठीक है धीरे 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 धीरे। तुमको और थोड़ा सा दे देते हैं। ये जो अप एंड डाउन होता है ना, सेक होता है, इसको रोकिएगा मत, जबरदस्ती से नहीं पकड़ना है, एकदम स्लोली उसका हिसाब से उसको करने देना होगा, ठीक है ना, तभी वो सही से खा पाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका पैर में तो हम लोगों ने रिंग लगा दिया था, पिछले का वीडियो में आप सभी साथ शेयर किया था, और एक रिंग इसके लिए है, लेकिन इसका अभी भी बाकी है। इसका ग्रोथ सही है, ये तो एकदम हेल्दी फिट जन्म हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, धीरे 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 अभी तो ठीक हो गया है। अब और अभी हम लोग जो देते हैं मतलब एंडर जर्मिना, और इसको जब तक इसका पैर में नहीं लगेगा मेरे हाथों में, मैं रखा हूँ उस दिन से, ठीक है ना। हाँ एंटर जर्मिना, ठीक है ना। इनडाइजेशन हो रहा था, कुछ भी खिलाइए तो बिल्कुल भी डाइजेशन में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, तो इसी के लिए एंटरो जर्मिना का कोर्स करा देंगे ना, तो वो एकदम मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। और ये तो एकदम परफेक्ट है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी वेदर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्रूडर तो हम लोगों का काम नहीं कर रहा था, इसी के लिए उसका यूज़ नहीं किया। और एक कितना बड़ा हो गया है, बहुत टेंशन था इसको लेके कि मतलब सही हो पाएगा कि नहीं। और यहाँ 200 वाट का एक बल्ब भी लगा दिया, और चारों तरफ अगर दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते ना, तो ये जो रूम है यहाँ एकदम हीट हो जाता है। और हम लोग जो विंडो बंद करते हैं ना, थोड़ा सा जो गैप रह जाता था, नॉर्थ की दिशा है मतलब उत्तर साइड है, यहाँ से जो हवा आता है सर्दी का मौसम में तो बहुत खतरनाक होता है, तो इसी के लिए इसको एकदम सील कर दिया। और ऊपर यहाँ 200 वाट का बल्ब। हो गया सुबह का खाना, ओ पेट भर के खाना खिला दिया। चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है हो गया। और अभी जाएंगे हम लोग नया फार्म पे, वहाँ ब्लैक स्वान और वगैरह वगैरह क्या थोड़ा सा काम का प्रोग्रेस हुआ है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ इकलेक्टस मतलब हम लोगों का यहाँ और एक जो ब्रीडिंग फार्म हम लोगों ने सेटअप किया था, यहाँ इकलेक्टस का जो घर था, रूम था, वो काफी बड़ा था, वहाँ हम लोगों ने मकाओं को शिफ्ट कर दिया, ब्रीडिंग बॉक्स भी लगा दिया। इकलेक्टस को सेपरेट छोटा सा केज में रखा था, क्योंकि उसके लिए नया फिर से घर बनाया, थोड़ा सा छोटा है, पहले जहाँ था वहाँ से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इकलेक्टस के लिए एकदम इनफ है, तो वो घर भी रेडी हो गया है, उसको ले जाके वहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद फार्म पे जाएंगे, नया फार्म पे जाएंगे। यहाँ एक अफ्रीकन ग्रे का बेबी फीमेल है, डीएनए करा लिया है, एक है
और यहाँ हम लोग का वो इग्लेक्टस का पेयर जिसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, और बाकी का सारे बर्ड्स को तो हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है ब्रीडिंग फार्म पे, नया ब्रीडिंग सेटअप में। यहाँ जो सारे बर्ड्स था अभी इन दोनों को जस्ट लेके जाएंगे, वहाँ छोड़ देंगे, काम खत्म, उसके बाद हम लोग का नया फार्म पे। ये दोनों के दोनों तो टेम था, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम जैसे होता है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। कितना भी टेम क्यों ना हो, कोई भी बर्ड को हम लोग पकड़ के छोटा सा केज में डालने के लिए कोशिश करेंगे तो वो तो काटेगा ही जोर से। फिर भी आ जाओ, आ जाओ, गुड गर्ल। नहीं नहीं ये अभी आएगा नहीं, इसको पकड़ना ही होगा। आ जाओ, गुड गर्ल, वेरी नाइस। एक केज का हाल भी ख़राब है, लेकिन यहाँ से सिर्फ उस फार्म तक लेके जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी के लिए ये केज सही है। चलो आराम से चला गया, हो गया। बर्ड्स पकड़ने का सबसे आसान तरीका, ऐसे कोई भी कपड़ा लेके आप डाल दीजिए और वो ईजीली आपका हाथों में चला आएगा, कोई भी एकदम शांत होके चला आएगा। हो गया, एक ही साथ लेके जा सकते थे कि, लेकिन ये दोनों इग्लेक्टस के अंदर जैसे दूसरा बर्ड्स होता है ना कि मतलब एक पास पास बैठना, एक दूसरे का सर खुजा देना, मतलब ऐसे स्क्रैच करना, एक दूसरे को खाना खिला देना। हाँ, मेल तो फीमेल को खाना खिलाती है ले जाके, जब ये नेस्टिंग करता है अंडे पे, हैच मतलब बैठी रहती है, हैच कराती है अंडा को, तो तभी बाहर निकल के खाना नहीं खाता है, पूरा खाना मेल फीमेल को ले जाके खाना खिलाती है, निकलती है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर मेल खाना खाता है और फीमेल को जाके खिलाती है। लेकिन ऐसे ही आप देखेंगे, मतलब ऐसे ही छोटा सा केज में रखेंगे तो दोनों का अंदर ऐसे लड़ाई हो जाता है। पता नहीं भगवान का कैसा सृष्टि है, अलग अलग इसका तो जैसे डिफरेंट कलर और नेचर, बाकी दूसरे जितना सारा स्पेसिस मैंने देखे हैं कि मेल फीमेल के अंदर ऐसे ही बॉन्डिंग रहता है, दोनों पास पास बैठना, एक दूसरे का सर खुजा देना, स्क्रैच करना, लेकिन ये जो स्पेसिस है इग्लेक्टस, इन लोगों का बिहेवियर तौर तरीका कुछ अलग ही है। चलो लेके जाएंगे और वहां छोड़ेंगे। हाँ, फाइनली पहुंच गए हैं, चार तल्ला का ऊपर जगह अच्छा है, और जो नया केज हम लोगों ने इग्लेक्टस के लिए रेडी किया है यही केज है। थोड़ा सा हाइट कम है लेकिन इनफ है इन लोगों के लिए। और यहाँ ऐसे विंडो नहीं था, लेकिन यहाँ अगर विंडो नहीं रहेगा तो हवा का ट्रांसपेरेंसी गुजर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो बर्ड्स के लिए वो अच्छा सही जगह नहीं होता है। तो इसी के लिए इसको काट के यहाँ ऐसे एक विंडो बना लिया, पीछे ऐसे ग्रिल लगा लिया, ऊपर से ऐसे एक जीआई का नेट, और ये परफेक्ट होता है, चूहा भी अंदर आ नहीं पाएगा। और यहाँ इस तरीके से इन लोगों का ब्रीडिंग बॉक्स भी सेटअप कर दिया है, हाँ यहाँ से आके आराम से अंदर जा सकता है। हाँ, नेस्टिंग मटेरियल भी सही तरीके से दिया हुआ है, और साथ में नीम का पत्ता और यूकेलिप्टस एकदम परफेक्ट होता है नेस्टिंग के लिए। चलो 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 अभी खोल देंगे, नया केज है, नया घर है, तुम लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है, पसंद तो आएगा ही आएगा। आ जाओ, तो आ जाओ, रुको रुको रुको, ओ गुड बॉय। ओए, इतना जोर से कोई चिल्लाता है? ये तुम लोगों का एकदम परमानेंट घर बन गया है, आगे तो इधर उधर थोड़ा सा हो गया था, इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, बॉक्स का सामने जाओ, और कलर देखो इक्लिक्टस का। इक्लिक्टस का जो मेल है, हम लोग तो कहते हैं ऐसे ग्रीन नहीं, एकदम खाली आंखों से देखेंगे ना, इस कलर में बहुत गहराई है। नहीं नहीं, अंदर नहीं, ठीक है, अच्छा ये तो आ गया बाहर। जाओ डायरेक्टली बॉक्स का अंदर। एक्चुअली ये मतलब बगल का जो केस था, यही नेस्ट बॉक्स वहाँ लगा के रखे थे, और ये मतलब बॉक्स के अंदर जाता था, ब्रीडिंग के भी टाइम हो गया था, लेकिन मजबूरन और दूसरा कोई हम लोगों के पास ऐसे बड़ा केज नहीं था कि मकाओ उसका अलग से रख दे, इसी के लिए मकाओ को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, और चार दिन के अंदर फिर से यहाँ शिफ्ट कर दिया। इस पुराना नेस्ट बॉक्स को भी शायद पहचान लिया, इसी के लिए इतना जल्दी नेस्ट बॉक्स को ले लिया, मतलब इसके अंदर आ गया। ठीक है, सही है, चलो अभी हम लोग का नया फार्म पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ ब्रीडिंग सेटअप में आ गए हैं तो बाकी का सारे बर्ड्स क्या कर रहा है, क्या हाल है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉकाडूस क्या कर रहे हैं, हाँ मेटिंग चालू है, नेस्ट बॉक्स के अंदर भी जाता है, लेकिन अभी दोनों के दोनों ही बाहर बैठा है। ठीक है, और इसका बगल में ही ये जो केज था, इसमें ही हम लोग इग्लेक्टस को रखे थे। फिलहाल यहाँ वो मकाओ का पेयर, ब्लू एंड गोल्ड का जो ब्रीडिंग पेयर है, उन लोगों को यहाँ रखे है, और केज का अंदर ऊपर ही यहीं नेस्ट बॉक्स लगा दिया है, और नेस्ट बॉक्स का होल यहाँ पर है, और अभी सिर्फ वेट करना है और देखना है कि क्या प्रोग्रेस होता है। और उसके बाद यहाँ तो हम लोग का अफ्रीकन ग्रेस का, हाँ एक तो अंदर है,
दूसरा बाहर, और ये दोनों का दोनों अंदर है, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। क्या है? ठीक है, हो गया। ब्रीडिंग से पहले ना वो लोग ऐसे चिल्ला के अपना एरिया बनाने के लिए कोशिश करता है कि हाँ हम यहाँ का राजा है, ऐसे एक मतलब माहौल का तैयार करता है कि नहीं कोई आ नहीं पाएगा, यहाँ हम लोग यहाँ का शेर है, अगर कोई आएगा तो इसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अंडा ले कर देने के बाद एक बार भी मतलब इन लोगों का गले से एक भी आवाज़ नहीं निकलेगा जब तक पूरा बेबी है जो कि बाहर नहीं चला आता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी के साथ शेयर किया। और यहाँ जो नेस्ट बॉक्स है इसका अंदर तो बर्ड्स मतलब रहता है, यहाँ भी एक पेयर ब्लू गोल्ड है, ऊपर आवाज़ हो रहा है नेस्ट बॉक्स का अंदर ही। देखो मेल बाहर अकेला बैठा है, मतलब यहाँ भी अच्छा सिम्टम्स है कि मेल बाहर बैठा है और यहाँ ऊपर फीमेल नेस्ट बॉक्स का अंदर। देखते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उस पार में तो हम लोगों का और एक ब्लू गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर है, कुछ दिन पहले जहाँ से हम लोगों को दो नया नया बहुत खूबसूरत सा बेबीज मिला है। और यहाँ हम लोगों का ब्लू एंड गोल्ड एंड ग्रीन विंग का, ब्लू एंड गोल्ड का फीमेल और ग्रीन विंग का मेल। इससे पहले एक बार अंडा ले किया था लेकिन फर्टाइल नहीं हुआ, अभी इस बार देखना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्चुअली दो पैर के बाद जो मिक्स सीड्स दिया जाता है वो दे दिया, और मिक्स सीड्स तो सारे पैरट टाइप का बर्ड्स का बहुत ही पसंदीदा खाना होता है। पूरा दिन बहुत सारा क्वांटिटी का, बहुत ह्यूज क्वांटिटी का आप सीड्स भी दे देंगे तो बाकी और उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों का हेल्थ अच्छा रहे इसी के लिए इन लोगों को सुबह के टाइम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो देखे ही रखना पड़ेगा, देना ही होगा। और दो पैर के बाद मिक्स सीड्स और मकाउस के लिए स्पेशली एक नट मिक्स आता है, आलमंड, वॉलनट, हेजल नट, पाम नट वगैरह वगैरह, ब्राजील नट, सब कुछ देके रखना पड़ता है। देखिए बॉलिवियन ब्लू एंड गोल्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, खाना खा लो, डरने का कोई बात नहीं। वीडियो का शुरू में जो दो बेबी को हैंड फिट कराया था वो इन दोनों का ही बेबी है। ठीक है, खा लो खा लो। सनफ्लावर सीड्स, एलमंड, वॉलनट, हेजल नट, ब्राजील नट, पाम नट, खा लो। बॉलिवियन ब्लू एंड गोल्ड जिसे कहते हैं यही है, प्योर बॉलिवियन ब्लू एंड गोल्ड। मैं कहूँ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हम लोगों का नया फार्म पे। चंद्र चलो। पहले ये जो गेट जब नहीं हुआ था तो तभी इसका बहुत ज़रूरत था, क्योंकि ये ऐसे घेरा लगाने के लिए ये लगाया हुआ था। अभी इसका और कोई काम नहीं क्योंकि हम लोग का यहाँ सामने जो गेट बनना था बन गया है। ये आम गाष्टा मोरे गलो ना, कुछ भी है, नया नया मिट्टी गिरा है ना इसी के लिए शायद। भलो आछेन तो? आम गाष्टा सुखिए गलो पूरा ना। কি কারণে মনে হয় প্রেসার টেসার পড়েছে গাড়ি ফাড়ি যেত বলে? লাইটনিং কে কারণ হো সকতা হ্যায়। চলো यहाँ हम लोग का पुराना जो बाथरूम था ना उसको पूरा तोड़ के यहाँ ऐसे बिछा दिया गया है। अच्छा इटे एतटा ऊंचू ना करे आरेकटू पतला करे बिछी दिले भालो होतो ना? बसबे ना? ठीक है रहने दो। चलो रुद्रा, रुद्रा हमको 100 बार पूछा है पूरा दिन में कि कब जाओगे 8 माइल में, हमको लेके जाना है, कब जाओगे? ऐसे ही टेम्परेरली मतलब वाशरूम तो एक चाहिए होता है ना, तो इसी के लिए मतलब कुछ भी है ऐसे करके छोटा करके पहले एक बना लिया, बाद में जब उस साइड में अलग अलग कॉटेज बनेगा, घर बनेगा, तभी तो अलग होगा। फिलहाल अभी हाँ ऐसे कुछ बनाया। राजू कहाँ है ब्लैक स्वान? अंकल जी आ जाइए, कहाँ है हम लोग का ब्लैक स्वान? ये तो हम लोग का व्हाइट स्वान है। क्या हुआ? ये तो मेरा हाथों से खाना खाता है, अगर कुछ खाना लेके आता हूँ ना तो ये हाथों से ही खाता है। चलो ये फीमेल, वो रहा ब्लैक स्वान, वो रहा हम लोगों का ब्लैक स्वान तालाब का मेडिल में। कितना सुंदर लग रहा है देखो, और साइड में और भी बहुत सारा डक्स है। क्या है, किस साइड से जाओगे तुम लोग? नहीं नहीं उस साइड से जा नहीं पाओगे, नहीं यहाँ से रास्ता नहीं है। अंकल जी कुछ होगा खाने के लिए? वो देखो आए, आया आए, वो तो करीब ही नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से देते हैं, आ जाओ अंकल जी साइड में आ जाइए। तो अंकल जी वो सारे छोटा छोटा डक्स इतना बड़ा बड़ा हो गया और इतना व्हाइट, कितना सुंदर हो गया। खाना खाओगे? आए 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 आए। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है, अरे वीडियो बन रहा है, क्या कर रहे हो तुम? ठीक, तो वहाँ टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम कुछ भी क्या है वो भी बन गया, और यहाँ से ऐसे सामने का शेड ऐसे बन जाएगा तो यहाँ रहने का लायक। और ये थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह उठा के ना वो रिपेयरिंग का काम कर रहा है।
এগুলোকে একদম মানে ছাড়িয়ে দাও, যতটা মানে মারার পরে ছেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি এইটা একদম পুরোটা এখান থেকে ছাড়িয়ে আবার নতুন করে প্লাস্টার দিয়ে দাও। কংক্রিট মশলা একটু দিয়ে দাও, শুধু বালি মশলা না দিয়ে। কংক্রিট মশলা দিয়ে দিলে ভালো, বুঝলে। यहाँ से सारे मतलब अलग अलग बर्ड्स के लिए, पेट्स के लिए, ऐसे मतलब प्लानिंग अभी तो फाइनल कुछ नहीं हुआ, ऐसे पहले बन रहा है, धीरे धीरे तो वीडियोस में आप लोगों को पता चलता ही रहेगा। उस कोने तक हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा रेडी कर लिया है। रुद्रा सावधानी से आओ। हाँ, धीरे धीरे आना है, यहाँ गड्ढा है, देखते हैं, पकड़ के आना। हाँ, ओए ओए, ठीक है। यहाँ हम लोगों का जो मतलब खेती किया था अभी भी चल रहा है, भिंडी वगैरह। ये क्या है चंद्रा? नोना तोरी बोलते हैं, खाते हैं अभी भी भिंडी वगैरह। ओ, भिंडी तो उठा लिया है। गोभी का खेती होता ना, पालक गोभी वगैरह, वो भी लग जाएगा। लोगों को बुला लिया, इस जगह को फिर से रेडी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जैसे फ्रेंड्स उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए उसके बगल में जो बेल आइकन होगा वहाँ भी दबाना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग मजेदार नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोग का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ओली बंदा, मान लो अकेले दोनों को कंट्रोल हो जाता है। वो क्या है? जेट प्लेन जा रहा है। ग्लू अभी तो फिलहाल कुछ दिन के लिए लगा के रखना पड़ रहा है, लेकिन आगे से ये लगाना नहीं पड़ेगा। चलो ग्लू आ जाओ ग्लू, अली चलो। ग्लू Go. अभी कितना बड़ा प्लेस है देखो तुम लोगों के लिए। ब्लू 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 कम ऑन, थोड़ा सा दौड़ने दो।